हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज्येष्ठ महीने की तपती धूप भी महिला शक्ति की राहें रोक नहीं पाती। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़े प्रशासन के लिए चुनौती बन रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की सर्वे टीम ने महिला शक्ति इस वायरस का खात्मा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। खंड मुखिया चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिलीप सिंह का कहना है कि जैसे ही किसी गाँव में पॉजिटिव केस पाए जाने की सूचना मिलती है, खंड नियंत्रण कक्ष से विभिन्न गाँव में सर्वे हेतु सर्वे दलों को चिन्हित कर तुरंत उस गाँव में घर घर स्क्रीनिंग हेतु रवाना किया जाता है। कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में कोरोना से पीड़ित मरीज को एपिसेंटर मानते हुए उसके 3 किलोमीटर दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित करते ही ये टीम वहाँ के घर घर को छान मारती है। खंड के 74 गांव में टीमें भेजने और सर्वे की जिम्मेदारी संभाल रहे खंड परिवेशक दिनेश वत्सल इस कार्य को एक चुनौती के रूप में लेते हैं। जिले में सर्वाधिक पॉजिटिव केस जसवंतपुरा में सामने आने से यहां टीमों को हमेशा तैयार रखा जाता है। वहीं पिछले दिनों एक ही दिन में 8 गांवों में 10 केस पॉजिटिव आने से टीमें भेजकर सर्वे करवाना चुनौती से कम नहीं रहा। प्रत्येक टीम में एक ENM के साथ आशा सहयोगिनी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी मैदान में उतर जाती हैं। इन टीमों में महिलाओं ने ऐसा मोर्चा संभाल रखा है कि उनके लिए ज्येष्ठ महीने की तपती धूप भी इनकी राहें रोक नहीं पाती। नियंत्रण कक्ष में इन्हें सूचना मिलते ही स्वयं को सुरक्षा प्रदान करते हुए झांसी की रानी बनकर कंटेनमेंट जोन की ओर कूच करती हैं। अधिकतम 2 दिन में पूरे गाँव का चप्पा चप्पा छान मारती हैं। गाँव के प्रत्येक परिवार की जानकारी तैयार कर रिपोर्ट अपने सुपरवाइजर को सौंप कर ही प्रस्थान करती हैं। यही सिलसिला प्रतिदिन चलता है। किसी भी गाँव में जाने के लिए इन नारी शक्ति का हौसला कम नहीं हुआ है। जागरूक टीवी के लिए जसवंतपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट।